अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल यूट्यूब पर। आप देख रहे हैं इस वक्त ज़की ग्राफिक। तो गाइस, आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाने वाला हूँ 3D कर्सर ग्राइंड लोगो जो है वो मैं क्रिएट करूँगा। और मेरे पास ये ग्रेडियंट कलर है एक, इसमें मैं यूज़ करूँगा। और ये जो है मेरे पास है, ये इसको मैं बैक पर यूज़ करूँगा। और बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो आज का लोगो जो है वो 3D क्रिएट करूँगा। और बहुत ही इजी मेथड के साथ आपको जो है मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो गाइस, आप करें वीडियो को एंजॉय और मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। तो चलें गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गोल कर्सर ले लेते हैं। तो इसको क्या करना कि सिंपल यहाँ पे जो है वो मैं गाइस ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, डैट्स गुड। तो इसकी एक और मैं डुप्लीकेट लेयर बनाऊंगा। और इसको क्या करूंगा कि मैं इसको इसकी वैल्यू को जो छोटा कर दूंगा। और इसको मैं अब इक्वल कर लेता हूं गाइस। ओके, डैट्स गुड। और एक और लेयर बनानी होगी। और इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये बीच वाले को मैं जो है वो कॉपी करूंगा। गो टू एडिट, कॉपी, गो टू एडिट, पेस्ट इन प्लेस। और इसकी वैल्यू को यहाँ से मैं जो है वो इस साइड पर, लेफ्ट साइड पर ले जाऊँगा। और दोबारा इसकी एक और जो है वो मैं डुप्लीकेट लेयर बनाऊंगा, इसी को जो है वो मैं कॉपी कर लेता हूं। तो देख सकते हैं मेरा इतना जो है वो कर्सर जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब मैं गाइस क्या करूंगा, ये दोनों लेयर्स को जो है वो मैं सिलेक्ट करके इनको ग्रुप कर लेता हूं। और इनको कॉपी, गो टू एडिट, कॉपी, गो टू एडिट, पेस्ट इन प्लेस। और इसकी वैल्यू को हम जो है वो 90 की एंगल पर जो है वो रोटेट कर देंगे। तो गाइस, आपके पास ये वाली शेप जो है वो रेडी हो जाएगी। और इसी में से हम अपना जो लोगो है वो आज क्रिएट करेंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त, और इसमें हम ग्रेडियंट कलर का यूज़ करेंगे। और ग्रेडियंट कलर आपका जो फेवरेट है, आप उसको पहले ग्रेड कर लीजिएगा, उसमें उसके बाद उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको सारे को सिलेक्ट करते हुए गाइस, मैं क्या करता हूँ कि पहले इसको अनग्रुप कर लेता हूँ जिसको मैंने ग्रुप किया था। ओके, और इस सारे को सिलेक्ट करते हुए मैं शेप ढूंढ लूँगा। और यहाँ पे आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, ब्लैक फिल कर लेते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ से जो है वो मैं अपना लोगो जो है वो क्रिएट करूँगा। तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ तक, ये जो मैं मैंने क्रिएट किया, मुझे जस्ट इसकी ज़रूरत है। और बाकी जो मेरे पास एक्स्ट्रा, इसको मैं रिमूव कर दूँगा। तो इसको गाइस जो हम कर देते हैं रिमूव, और आपके पास ये वाली शेप जो है वो रेडी हो जाएगी। तो गाइस, आप ये सोच रहे होंगे कि ये अभी बिल्कुल सिंपल है, जब इसको मैं फुल क्रिएट करूंगा और इसमें ग्रेडियंट कलर फिल करूंगा तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो गाइस, अब मैं क्या करूंगा कि इसको सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, टूल मिल जाएगा, रोटेट टूल वाला। तो आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और इस और इसको गाइस आपने क्या करना है कि जो है वो इसका प्रीव्यू ऑन कर लेना। अगर अनचेक हुआ तो इसको चेक पे लगा लीजिएगा। और 45 है आपके पास, कोई भी हो सकता है गाइस। तो आप 45 के एंगल पे जो है इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो मैं इसको 48 पे नहीं करता, मैं इसको 65 के एंगल पे जो है वो रोटेट करता हूँ। तो अब मैं इसकी वैल्यू को देखता हूँ। ओके, को कॉपी कर लेता हूँ गाइस। तो आपके पास कुछ इस तरह का जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो अब गाइस, ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो है वो कुछ इस तरह आपके पास क्रिएट हो जाएगा। लेकिन इसकी हम वैल्यू को जो है वो 65 के एंगल पे नहीं, 45 के एंगल पे मैं इसको जो है वो क्रिएट करके देख सकता हूँ। लेकिन इससे पहले जो है मैं अपना ग्रेडियंट कलर जो है वो फिल कर लेता हूँ। और इसकी आप अपनी मर्जी से जो है वो सेटिंग भी ग्रेडियंट के कलर की कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि इसका ग्रेडियंट कलर को आप सेट कर लीजिएगा। ओके गाइस, अब मैं क्या करूँगा, फिर जो है वो ये लूँगा रोटेट टूल। और इसको 45 के एंगल पे जो है वो मैं क्या करूँगा, रोटेट करूँगा गाइस 45। और यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ। ओके, तो आप गाइस देख सकते हैं कि मैंने इसको 45 के, और अब इसकी डुप्लीकेट जो है वो मैं जो है वो क्रिएट करता जाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो कितना ज़बरदस्त जो है मेरा लोगो जो है वो क्रिएट हो चुका है।
तो गाइस आपने क्या करना है कि बिल्कुल जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर इसका सारा प्रोसेस बताया कि स्टार्ट कैसे करना है और इसको फिनिश आपने कैसे करना है। तो गाइस अब क्या करूँगा कि इसमें ग्रेडिंग कलर तो मैंने पहले पहले से फिल कर लिया और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो मेरा कलर जो है वो लग रहा है। तो गाइस अब मैं क्या करूँगा, इसको सारे को सिलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद गाइस मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरे पास है इसको मैं बैकग्राउंड दूंगा और बहुत ही ज़बरदस्त, और इसमें मैं क्या करूँगा इसको शेडो दूंगा इसके नीचे, ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो मेरा लोगो क्रिएट हो जाएगा। तो इसको जो है वो मैं ब्लैक कलर जो है वो दे देता हूँ इसका शेडो। शेडो कैसे देना कि आपने इसको क्रिएट कर लेना, क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना है और यहाँ पे आपको एफएक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको फिगर मिल जाएगा और इसकी वैल्यू को आपने क्या करना है बढ़ा देना है, एक शेडो जो है वो आपके पास रेडी हो जाए। तो यहाँ पे बिल्कुल ओके। तो गाइस आप देख सकते हैं ये कितना ज़बरदस्त वाइट बैकग्राउंड के ऊपर भी ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो मेरा लोगो 3D जो है वो कर्सल वो रेडी हो चुका है। तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, लेकिन इसकी बैकग्राउंड को हम चेंज करते हैं। तो चलें इसकी बैकग्राउंड को चेंज करके देखते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। ओके, और अब इसको मैं ले आता हूँ इस तरह। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये बैकग्राउंड बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो कलर मैंने चूज़ किया था और इसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो लग रहा है। इसको मैं ले आता हूँ गाइस छोटा सा करके नीचे। ओके, तो गाइस आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक ग्रेडिएंट का दो ग्रेडिएंट कलर थे, एक मैंने बैक पे यूज़ कर लिया और एक जो है मैंने इसमें फिल कर लिया। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो आई होप कि इस तरह का लोगो क्रिएट करने में गोल्ड कर्सर 3D और इसमें ग्रेडिएंट कलर का यूज़ किया है, तो इस तरह का लोगो क्रिएट करने में अब आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। और आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।